नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। और इस वीडियो में मैं वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताऊंगा, जो वॉल्यूम हम लोग का ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं, हम लोग से प्राइस का ऊपर या प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं और बहुत टाइम फंस भी जाते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा सही नहीं होता है, बहुत टाइम फेक भी होता है। फेक इन द सेंस, सोचिए आपको लग रहा है जो मार्केट ऊपर जा रहा है प्राइस को देखते हुए, और आप एंट्री ले लिए और थोड़ी देर बाद मार्केट घुमा के गिरा दिया। तो ऐसा सिचुएशन क्यों फेस करते हैं? ऐसा सिचुएशन फेस करने का पीछे मेन जो रीज़न है, जहाँ पर प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, अगर वहाँ पर वॉल्यूम का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो पोजीशन आपको ट्रैप कर सकता है। तो प्राइस का साथ साथ वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों एक साथ मैच होगा तो वहाँ पर ट्रैप होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। और वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्लू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो उसके लिए और भी अच्छा है। तो और डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक को ओपन करके फॉर्म को जस्ट सबमिट कर दीजिए, आपका पास एलेक्स ब्लू की तरफ से फ़ोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट या क्वेरीज रहेगा आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए देखते हैं अभी सॉफ्टवेयर का लाइव परफॉर्मेंस का ऊपर। आज को 6 तारीख है, ये आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, ये जो रेड कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका पहले भी आप चार्ट पे देख सकते हैं कॉल कैसे बन रहा है। रेड एरो ये आपका सेल का कॉल है, ग्रीन एरो आपका बाय का कॉल है। तो ये अगले दिन का परफॉर्मेंस है, आपने अगले दिन का परफॉर्मेंस देख के आपको एक क्लियर व्यू पता चल जा रहा है जो वाकई ये रिजल्ट कैसे दे रहा है। तो आज का जो मेन टॉपिक है, जो वॉल्यूम प्रेशर कैसे काम करेगा, देखिए ये आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, जो रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखना है। सेलिंग का जैसे कॉल आएगा, नीचे का जो रिबोन है उसका कलर को रेड होना चाहिए, मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो पिंक होके नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो नीचे का जो बार आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको इंडिकेट कर रहा है जो अभी मार्केट में जो प्रेशर है वो सेलिंग के लिए है या बाइंग के लिए। रेड बार मतलब है ये सेलिंग प्रेशर है, अगर ये ग्रीन बार होता तो बाइंग प्रेशर होता। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा, ये सेल का जो कॉल बना है सुबह को, यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है, तब जाके कॉल को हम लोग कन्फर्म बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो सिग्नल बनने से आपको तीन चीज़ को ध्यान में रखना पड़ रहा है। सबसे पहला चीज़ है ट्रेंड, जो नीचे का रिबन दिखा रहा है, रेड कलर का जो आपको रिबन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड है। मिडिल में दो लाइन आपको पिंक दिखाई देगा, ये भी इंडिकेट कर रहा है सेलिंग का, और उस टाइम आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में ह्यूज सेलिंग वॉल्यूम था, तो यहाँ पर हम लोग सेल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऑब्वियसली अर्निंग कर लेंगे। जैसे देखिए अभी ये लाइव चल रही है, ये कैंडल ग्रीन हो रहा है, तो ग्रीन होने का मतलब है यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो इस चीज़ को समझना है। एक कैंडल वेट करेंगे, अभी एग्जिट करना है ऐसा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा अगर आप छोटा छोटा पोजिशन में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो निफ्टी फ्यूचर में हार्डली 30 टू 35 पॉइंट लेने के बाद निकल जाना ही बेटर रहेगा। तो कंसेप्ट यही रहे, अब यही चीज़ को देखिए मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा, जो बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ और दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। देखिए बैंक निफ्टी में ये आज का ओपनिंग कैंडल है, यहाँ पर सेलिंग कॉल दिया है, कॉल वहाँ पर भी सेलिंग का था, यहाँ पर भी सेलिंग का कॉल है। नीचे का रिबन देखिए, वहाँ पर भी रेड था, यहाँ पर भी ग्रीन है, मिडिल का दोनों लाइन वहाँ पर भी ग्रीन था, पिंक था, यहाँ पर भी पिंक है, बट यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो है वॉल्यूम प्रेशर का ऊपर। तो इस जगह पर आप जब नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो प्रेशर है मार्केट में बाइंग प्रेशर है, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लॉस खाने से बचाएगा, मतलब यहाँ पर मूवमेंट नहीं होने वाला है सेलिंग की तरफ, क्योंकि प्रेशर जो आपको दिखाई दे रहा है बाइंग की तरफ है। तो इस चीज़ को समझना है, सिर्फ मार्केट का ट्रेंड को या प्राइस को देखते हुए हम लोग नहीं घुसेंगे, प्राइस का साथ साथ वॉल्यूम प्रेशर को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ दिखाना था, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में सिग्नल बना है सेलिंग का, बैंक निफ्टी में ट्रेंड एंड निफ्टी का ट्रेंड दोनों ही सेलिंग ट्रेंड था, बट वॉल्यूम प्रेशर पे जब नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है जो वॉल्यूम प्रेशर बाइंग की तरफ है, तो इसके लिए ये कॉल आपको यहाँ से रिवर्स कर गया, थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं दे पाया। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस टाइम कॉल बना था सेलिंग प्रेशर था, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते थे। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ट्रेंड का साथ साथ वॉल्यूम को चेक करना है, दोनों मैच होगा तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। कॉल दिन में बहुत सारा बनेगा,
दिन में एक या दो कॉल में ट्रेड लीजिए, सारा कॉल में ट्रेड लेने का जरूरत नहीं, अगर कंसर्न मैच होता है तो ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो कैसा लगा लॉजिक जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहेगा मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जैसे देखिए निफ्टी का ये जो ब्लू ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली इस पर पता चल रहा है जो मार्केट रिवर्स हो रहा है। और जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, देखिए वॉल्यूम प्रेशर धीरे धीरे कमते जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली, अगर मार्केट में बाइंग कंसेप्ट आया तो। नहीं तो मार्केट अप डाउन हो ही सकता है, थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है अभी नीचे भी आ सकता है, तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। बट बेसिकली जब तक रेड वॉल्यूम प्रेशर है इसका मतलब है अभी भी मार्केट में नेगेटिव प्रेशर है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू।